मदन मोहन वासुदेव जी। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, साईं गोविंद गोपाल गाते चलो, साईं गोविंद गोपाल गाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, साईं गोविंद गोपाल गाते चलो, साईं गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते चलो, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते चलो, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते चलो, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते चलो, साईं गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको खिलाते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको खिलाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, साईं गोविंद गोपाल गाते चलो, साईं गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम भक्ति से उनको खिलाते चलो, प्रेम भक्ति से उनको खिलाते चलो, सबरी की तरह तुम खिलाते चलो, सबरी की तरह तुम खिलाते चलो, साईं गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, साईं गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर मदन मोहन वासुदेव जी। आपकी एज इस समय कितनी उम्र है आपकी? 76 इयर्स। 76। अच्छा, आपकी सेहत का क्या राज है, दिनचर्या क्या रहती है आपकी, सब लोगों को बताइए। मैं सुबह 4 बजे जाग जाता हूँ, फिर अपना बाथरूम वगैरह जा करके और करीब 4:30 बजे स्नान करके फिर अपना भजन ध्यान में बैठ जाता हूँ 5:20 पर। अच्छा। और मेरा करीब 1.25 घंटे का चलता है वो। अच्छा। और 1.25 घंटे मैं अपना भजन ध्यान के बाद में तब फिर अपना कुछ नाश्ता पानी लेकर। अच्छा। अच्छा, तो स्वास्थ्य बढ़िया रखने के लिए क्या करना चाहिए? सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। अच्छा। और ये नित्य प्रति जो क्रिया है अपना शौच आदि ये समय के से करना चाहिए। और योगा वगैरह, योगा वगैरह, हाँ हाँ, योग वगैरह भी करना चाहिए। योग तो वैसे चारपाई से उठते ही जैसे शौच आदि जाने के बाद तुरंत करना चाहिए, इसलिए हाँ, जिससे कि सोने से चारपाई में पड़े रहने से सुस्ती आती है और देह का जो खून है हमारा वो शिथिलता आ जाती है, और योगा करने से हाथ पैर हिलाने से और वो शिथिलता दूर हो जाती है। अच्छा। ये बहुत ही आवश्यक है, चाहे जवान उम्र हो चाहे किसी भी उम्र में। अच्छा। और शरीर में इससे फुर्ती रहती है। खान-पान का भी कुछ ध्यान रखना है। हाँ, और खाने में तो हमेशा हल्का ही खाना लेना चाहिए। अच्छा। सुपाच्य जो है सुबह का नाश्ता हैवी होना चाहिए, दोपहर का खाना अपना हल्का, और शाम का तो बहुत ही हल्का आहार होना चाहिए। और मेरी दिनचर्या तो इसी तरह से पूरा जीवन जो इसी तरह से व्यतीत हुआ, और कोई जो अखाद्य पदार्थ हैं वो बताइए मेरे अंदर मन में नहीं आती है उनके खाने के लिए, और सभी सुपाच्य पदार्थ खाना। 50 साल की मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम आपने कराया था, कब हुई थी आपकी शादी?